अगर सबसे पहले बात करें, कैसा लग रहा है पहले तो यही बता दो. मैम ये बहुत अलग फीलिंग है, लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठी और पहली बार में वो क्लियर करना, तो और इतना अच्छा स्कोर आना तो वो अपने आप में बहुत ओवरवेलमिंग है. और मैम मैं आपके सामने बैठी हुई, उससे ज्यादा मेरे लिए कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती. अब ऐसे आंसू आ जाते हैं. सिमरन को मैंने जगाया है 2 मिनट तक, सिमरन डेड थी. अगर कोई भी तैयारी कर रहा है सिमरन, तो क्या कुछ पॉइंट्स उसको बताना चाहोगे? मैम वही है कि एक तो प्रीवियस ईयर को कोई भी नेग्लेक्ट ना करे, बिकॉज हमेशा क्वेश्चन जो है ना वो वहीं से घूम फिर के आ रहे हैं. तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल थॉरली लगाएं वो, और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने से मतलब नहीं होना चाहिए कि ओके लगा लिया है इतने मार्क्स आ गए. जो चीज़ जहाँ पे उनके मार्क्स कट रहे हैं या जो टर्म्स उन्हें समझ नहीं आ रही है, उस चीज़ को वो नोट डाउन करें, उस पर फिर वो वर्क करें, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्वेश्चन पेपर में आने वाली हैं फिर से. और सिंस अब एग्जाम शायद आगे भी ऑनलाइन ही होगा, तो उसके उस माइंड सेट से हमेशा प्रिपेयर करें ऑनलाइन. अब जैसे इन्होंने मॉक सेंटर्स भी बनाए हुए थे तो वो एक अच्छी चीज़ थी, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें लानी पड़ेगी प्रैक्टिस के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, हमें स्क्रीन पे पढ़ पाए. यस मैम. की और ये रीडिंग वाली चीज कि हमें स्क्रीन पे अब पढ़ना है, हमें बुक से हमेशा से पढ़ने की आदत रही है, तो ऑनलाइन रीडिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ाए. और वो जो टाइम मैनेज आपने किया होगा, क्योंकि ऑपोजिट टाइम चलता है, वो मैं भी वीडियोस में डिस्कस करती हूं कि वो उल्टा चलता है वहां टाइम. यस मैम. तो उसको मैनेज कैसे किया सेक्शन वाइज? मैम वो मैंने यही था, मैम मैंने सेक्शन वाइज एज सच मैनेज, अगर मैं कहूँ कि मैंने जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो उसी टाइम पे मैंने वो टाइम को मैनेज करने की कोशिश की, वो एग्जाम वाला एनवायरमेंट बना के बिल्कुल कि ओके जब मैं एग्जाम में जाऊंगी तो मुझे इस टाइम में करना है, और इस टाइम में मुझे रिवाइज भी करना है पेपर. मेरा हमेशा ये नहीं था कि मुझे बिल्कुल टाइम टू टाइम वो खत्म करना है, मेरा ये था कि मुझे एक बार पेपर फिर से रिवाइज करना है, देखना है. और यही था जो सेक्शन वाइज मैंने, जैसे मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है तो वो मैथ्स के लिए मैंने बिल्कुल लास्ट में टाइम बचाया. अच्छा. और वो मैथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाता है. सीडीपी मैंने स्टार्टिंग में कर ली, इंग्लिश हिंदी वो भी स्टार्टिंग ईवीएस, तो वो मैंने स्टार्टिंग में कर लिया था. सीडीपी में मेरे 5 से 6 मिनट लगे थे, बिकॉज वो बस टिक टिक टिक, और उसमें ही वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक जल्दबाजी बोल लो, उसमें एक नंबर भी मेरा कट गया, उस चीज का थोड़ा सा रिग्रेट है. और मैसेज आप देना चाहोगे लर्नर्स को? मैम वही है कि एक पहले तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ के जो जेन्युइन है, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल एक जगह पे स्टक होना है और एक अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टक होना है. और फिर उसको बहुत कहते हैं ना कि बिल्कुल उसमें जान डाल के वो चीज करनी है. और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक जगह पे आपको विश्वास टिकाना पड़ेगा अपना. वो पहले टाइम दिए, मैं भी हमेशा कहती हूँ कि टाइम दे दो, शुरुआत में देख लो आपको जहाँ देखना है, फिर एक चीज एटलीस्ट स्टिक करो, क्योंकि उससे फिर टाइम वेस्ट नहीं होता. दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई आपको खुद ही करनी है. मतलब वो चाहे वीडियो में भी देखोगे तब भी नोट्स खुद ही बनाओगे, समझोगे, बट वो एक बार चूज करके अपनी स्ट्रेटजी बना के उस पर फिर स्टिक करो.